इंग्लिश वा बुक पेज नंबर 29 पोएम नंबर 9 टाइम फॉर एवरीथिंग क्वेश्चन आंसर्स राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 व्हेन इज इट टाइम फॉर स्लीप आंसर इज इट इज टाइम फॉर स्लीप एट द एंड ऑफ द डे सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय दिस अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू आंसर इट मीन्स दैट whatever you do has to be done at the appropriate or correct time question number 3 who should do everything at the correct time take the correct option children grown ups both किसके लिए कहा गया है कि उन्हें टाइम पे काम करना चाहिए ये सबके लिए है सिर्फ चिल्ड्रंस या ग्रोनअप्स के लिए नहीं है बल्कि बोथ बोथ यानी दोनों को भी अपना टाइम प्रॉपर टाइम पे करना है क्वेश्चन नंबर 2 ऑनलाइन इन दिस पोयम कंटेन्स इट्स मैसेज इन शॉर्ट राइट डाउन दैट लाइन देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू है ना वन लाइन है जो बार बार रिपीट की गई है बार बार कहा गया है कंटेंट से मैसेज जो भी है क्या है मैसेज देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू यही तो पोएम का नेम भी है टाइम फॉर एवरीथिंग यही मैसेज इस लाइन में भी दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस पोएम टाइम मीन्स अ सुटेबल और प्रॉपर टाइम फॉर सर्टन थिंग्स मैच द ऑकेशंस इन अ विद ए एंड एक्शन इन बी कि आपको क्या करना है यहाँ पे मैच करना है ऑकेशंस को ओके जस्ट अमित सी द क्वेश्चन हियर व्हेन यू हैव टू कैच योर ओपिनियंस इन द गेम ऑफ टैग तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है फर्स्ट का आंसर है टाइम टू रन व्हाट इज द राइट आंसर इट्स टाइम टू रन जब आपको फास्ट भागना है कब भागना है आपको फास्ट जब आपको कैच करना है अपने ओपिनियंस को गेम में ओके सेकेंड व्हेन यू आर ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट जब आप क्राउडेड स्ट्रीट पे हो तो क्या आपको दौड़ना चाहिए भागना चाहिए नो वी हैव टू वॉक प्रॉपरली इट्स टाइम टू वॉक व्हेन समबडी हैज आस्क यू अ क्वेश्चन जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्या आपको साइलेंस रहना चाहिए नो यू हैव टू गिव द आंसर यू हैव टू टॉक तो आंसर क्या है हमारा टाइम टू टॉक When you are in a library or hospital, उस वक्त हमें जोर जोर से शाउट करना चाहिए टॉकिंग करना चाहिए नो we have to silence on that time. So, time to be silent. Right answer क्या है Time to be silent here. Find the meanings of following using a good dictionary. क्या है first? 9 times out of 10. इसका meaning क्या है 9 times out of 10 means almost every time. Second, no time like a present. Answer is, now is the best time to do something not in the future. मतलब जो भी है अभी करना है, in future में नहीं. A stitches in time saves 9. It is better to deal with the something immediately because if you wait, it may become more difficult. Okay? Pick out the rhyming pairs of the words from the poem. Talk, walk. Walk, talk. Play, day, day, play. Do, to, do. Sit, fit, fit, sit. Okay? Complete it.